हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ अंत तक जुड़ा रहता है। ये हमारा उद्देश्य है कि अगर बच्चा अपने मन में ये भाव लेकर के हमारे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करता है, जुड़ता है कि हमें कोई ना कोई नौकरी चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए जुड़ता है, तो हम पूरी शिद्दत के साथ, अपने फुल एफर्ट के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने रोड मैप के साथ, उसके साथ अपना कंट्रीब्यूशन बनाए रहते हैं और जुड़े रहते हैं उसके साथ, ताकि उसके साथ जो भी बेस्ट हो सके वो हम लोग उसके लिए करें। बीपीएससी की वैकेंसी आ गई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और बीपीएससी की ये दूसरी वैकेंसी आई हुई है। अभी बहुत जल्द एक वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन वहाँ पर एस्टेट की डिमांड किया हुआ था और काफ़ी बच्चे एस्टेट क्वालिफाइड नहीं थे, इसलिए वो क्या कहते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। आफ्टर दैट एस्टेट की वैकेंसी इसी जल्दी में उन्होंने निकाला और एस्टेट की का फॉर्म जैसे फिलअप किया, बहुत ही जल्द उन्होंने एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी। और इस कंडीशन में आप सब जानते हैं कि प्रिपरेशन का बहुत ही कम समय हमको मिला, और बच्चों को भी कम मिला और इंस्टीट्यूशन को भी कम मिला। लेकिन इंस्टीट्यूशन ने तो अपनी टाइमिंग बढ़ा करके डबल क्लास लेके, ट्रिपल क्लास लेकर के अपने कंटेंट को आपको दिया, वो सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया, जिस कंटेंट के बिहाफ पे आप एस्टेट की परीक्षा को क्रैक कर सकें, पास आउट कर सकें। और बच्चों ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया, और जब उनका फीडबैक मिला तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं सर, पेपर बहुत अच्छा गया हुआ है। कुछ का तो फीडबैक इतना अच्छा था कि माइंड ब्लोइंग जिसको कहा जाए तो भी कम नहीं है। तो इसमें नो डाउट कि मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि एस्टेट की क्लास मैं खुद ले रहा था, और हमारे कुछ बच्चे जब हमको बताया कि सर 135 एवब जा रहा है मेरा मार्क्स, तो इस कंडीशन में बड़ा ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि यार इतने अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, इतने क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग जो लोग रहें। तो जब एक हार्ड वर्क करने वाला स्टूडेंट मिलता है, तो जाहिर सी बात हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वही बच्चे होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करते हैं, टीचर का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे, लेकिन एक बात का मलाल रहा, हम सबको रहा, कि प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाया। और अब वो गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। एक बार तो जो गलती हुई उसे गलती हुई, लेकिन दोबारा हमें वो गलती नहीं करनी है। इसलिए जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, फॉर्म आए, फॉर्म फिलअप हो, कब एग्ज़ाम हो, उससे मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन आ गया है, जानकारी मिल चुकी है, अब हम उसकी तैयारी में लग जाएं। हम पहले तैयार कर लेंगे, बीच के टाइम पीरियड में हम रिवाइज़ कर लेंगे, वो चलेगा। लेकिन ये इंतज़ार करें कि नहीं, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत लेट हो जाएगा। और एग्ज़ाम में देखिए होता क्या है, चीज़ें सभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं, लेकिन वो जो एक महीन सी लाइन होती है, जिसको आप कॉन्फिडेंस और अनकॉन्फिडेंस के बीच की कड़ी कह सकते हैं, उसी की परीक्षा होती है। सपोज़ लीडर, जैसे कि भारत खंडे ने बता दिया कि श्रुतियों पर स्वर स्थापना की विधि, अब सॉरी मैं भारत खंडे कर रहा हूँ, मैं पहले भरत ने बताया था, ठीक है, अब भरत ने बता दिया कि श्रुतियों पर स्वर स्थापना, अब इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दे दिया, सूत्र दे दिया कि चतुश्चतुश्चतुश्चय षड्ज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्तरी शब्द है वत, यह फार्मूला उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने बता दिया ये एक रेशियो उन्होंने बना दिया कि इस रेशियो से श्रुतियों पर स्वर की स्थापना होगी। अब इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए श्रुतियों की संख्या 22 है, जैसा कि हमारे संगीतज्ञों ने, हमारे विशेषज्ञों ने यह बताया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतनी श्रुतियाँ हो गई। अब भरत ने बताया कि सासर को चार श्रुति,
मतलब 1, 2, 3, 4 ये चारों श्रुतियाँ किसको दी गई? सा को दी गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि स्वर अपने अंतिम श्रुति पर स्थापित होगा, अर्थात सा स्वर कहाँ स्थापित होगा? चार पे स्थापित होगा, यहाँ सा स्थापित हो गया। अब सा का मान हो गया चार, किंतु यहीं पर आधुनिक काल में भारत खंडे ने भरत के इस नियम को पूरी तरह से नहीं माना। ये वाला फार्मूला तो भरत का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, बात बिल्कुल सही है कि चतुश्चतुश्चतुश्चयवस रज मध्यम पंचमा द्वैद्व निषाद गंधारो त्रिस्त्री शब्द है बत्तर, इसी के बिहाफ पे श्रुतियों पर स्वर की स्थापना होगी। सा को चार श्रुति देंगे, रे को तीन श्रुति देंगे, ग को दो श्रुति देंगे, म प को चार चार श्रुति देंगे, ध को तीन देंगे, नी को दो श्रुति देंगे। इस बात तक तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ भैया, शुरू की ये चार श्रुतियाँ जो हैं वो सा के लिए रिजर्व हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन स्वर जो है वह अपने पहली श्रुति पे स्थापित होगा। किस पे स्थापित होगा? पहली श्रुति पे। अब यहीं पे एग्ज़ाम में आपसे अगर पूछा जाए कि वर्तमान काल में सा स्वर किस श्रुति पर स्थापित है, और बच्चा अगर हल्का सा भी पढ़ने में मिस्टेक किया तो वो पहली के बजाय चौथी लगा करके आएगा, ठीक है? आपने, हमने, सबने भरत पढ़ते 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 ये याद कर लिया कि चौथी श्रुति सा की है, सातवीं रे की है, नवीं ग की है, तेरहवीं म की है, सत्रहवीं प की है, बीसवीं ध की है, बाईसवीं नी की है। अब ये बात हमारे दिमाग में इतनी घर कर चुकी है कि अगर वह वर्तमान पूछता था भारत खंडे के अनुसार सा स्वर किस श्रुति पर स्थापित है, तो हम भारत खंडे को भी भरत मान के ही जवाब देते हैं, और बाद में जब हमको यह बात समझ में आती है तो पता चलता है कि हम अपना एक नंबर गलत कर चुके हैं। खैर, ये तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया हूँ, ये बहुत छोटी चीज़ है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लास में आपके सामने क्लियरिफाई की जाएगी, जो आपके क्लास, जो कि जब आप क्लास ज्वाइन करें, जब आप क्लास लेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, या फिर बताने का आपको मैं प्रयास करूँगा, समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये जो डाउट्स होते हैं हमको बहुत परेशान करते हैं, और यहाँ पे डाउट्स होने की वजह से हम प्रॉपर वे में कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी इच्छा है, आप बीपीएससी देने वाले हैं और आपको, आपने अपना विचार बना लिया है कि किसी भी कीमत पे मुझे बीपीएससी क्रैक करना है, तो बिल्कुल आप देर ना करें। जैसे ही वीडियो आप देखें, वैसे ही वीडियो देखने के बाद हमारे सीपी स्मार्ट क्लास के कॉन्टैक्ट नंबर, आ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8299226960 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
पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों को नमस्कार।